हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हयात वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। बच्चों आइए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, ये हमारी नई सीरीज़ है जिसका नाम है एक्सीलरेटर सीरीज़, और इस सीरीज़ में हम जस्ट बात करने वाले हैं फिज़िक्स के कुछ चुनिंदा टॉपिक्स की, कुछ कॉन्सेप्ट्स की, जिसमें बच्चों को जनरली बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। इस एक्सीलरेटर सीरीज़ को बनाने के पीछे का कारण सिर्फ यही है स्टूडेंट्स, कि आप लोग उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से सीख जाएं जहां आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं थोड़ा आपको इस सीरीज़ के बारे में बता देता हूं बच्चों। हर एक दो दिन के अंदर यानी ऑल्टरनेट डेज पर आप लोगों के लिए हम छोटे छोटे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। बच्चों 11th क्लास और 12th क्लास दोनों के लिए हमारी ये एक्सीलरेटर सीरीज़ है स्टूडेंट, और एक दिन 11th क्लास की हम इसके अंदर बात करेंगे और दूसरे दिन हम बात करेंगे 12th क्लास के कॉन्सेप्ट की। तो मुझे उम्मीद है कि इस सीरीज से आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो आइए आज हम अपने कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं कि आज के कॉन्सेप्ट में हमें क्या बात करनी है स्टूडेंट। बच्चों हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से। देखिए स्टूडेंट, 11th क्लास के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है NCERT के अकॉर्डिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिट मेजरमेंट एंड एरर, इस चैप्टर के अंदर अगर हम कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या JEE नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो एरर का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करेंगे इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट एरर की, यानी एरर के कुछ कॉन्सेप्ट्स की हम बात करने वाले हैं बच्चों। लाइक आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल हम लोगों को कोई फिजिकल क्वांटिटी दी गई है एक्स, एक्स की वैल्यू आपको दी गई है स्टूडेंट ए बी अंडर रूट सी अपॉन डी। ओके स्टूडेंट, ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास में, और बच्चों फिजिकल क्वांटिटी का नाम है एक्स, एक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल है ए बी अंडर रूट सी अपॉन डी के। कुछ डेटा हम लोगों को गिवन दिया गया है स्टूडेंट, और जो डेटा हम लोगों को गिवन दिया गया है वो है अपने पास में परसेंटेज एरर इन ए 2%, परसेंटेज एरर इन बी 3%, परसेंटेज एरर इन सी 4% एंड परसेंटेज एरर इन डी 1%। स्टूडेंट ये कुछ डेटा हम लोगों को गिवन दिया गया है और हमसे पूछा है फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स। हमसे स्टूडेंट पूछा गया है कि आपको एक्स के अंदर परसेंटेज एरर बतानी है कितनी होगी। तो आइए देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों हम लोग। देखिए जब भी कोई एरर की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं बच्चों, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझने वाली चीज़ है, थोड़ा ध्यान से आप देखें कि जब भी कोई एरर की प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हैं तो आपको ध्यान देना होगा कि जिसके अंदर आपको एरर कैलकुलेट करनी है बच्चों उसकी पावर 1 होनी चाहिए। यानी मुझे एक्स के अंदर मुझे एरर को कैलकुलेट करना है तो एक्स की पावर स्टूडेंट 1 होनी चाहिए। यहाँ पर समझ रहे हैं आप मेरी बात को, एक्स की जो पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। तो जैसे ही हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या कंडीशन बनेगी जरा देखें। एक्स को मैं लिखने वाला हूं डेल्टा एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू, जब भी आपको एरर को कैलकुलेट करना होगा ना बच्चों, तो एक्स को आप लिखेंगे डेल्टा एक्स परसेंटेज, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए। अगर एक्स की पावर 1 से ज्यादा है तो पहले उसे 1 बनाइए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यहां एक्स की पावर 1 है, ऑटोमेटिकली 1 है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा हम x को लिखेंगे डेल्टा x परसेंटेज। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ये कैपिटल A है, ये B है, ये अंडर रूट C है और ये D है। कैसे हम प्रॉब्लम को आगे फॉरवर्ड करेंगे, A को हमें लिखना है स्टूडेंट डेल्टा A परसेंटेज, A की जो पावर है वो 1 है, आप A को सिंपल लिख दीजिए डेल्टा A परसेंटेज। A की पावर 1 है, 1 को इसके सामने लेकर आइए। B की पावर 1 है तो मैं लिखूंगा डेल्टा B परसेंटेज, B की पावर 1 है, 1 को इसके सामने लेकर आएंगे। अंडर रूट C, देखिए स्टूडेंट ध्यान से, अंडर रूट C मैं लिखूंगा डेल्टा C परसेंटेज। अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 से स्टूडेंट होता है, तो मैंने 1/2 को सामने रखा। और यह है डी, तो D को लिखा जाएगा डेल्टा D परसेंटेज। और चूंकि हमें एरर की मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू बच्चों चाहिए होती है,
तो मैं यहाँ भी पॉजिटिव लूंगा, यहाँ भी पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव को दिखाने की जरूरत नहीं है, बी के बाद ये सीधा यहाँ पर सी आ गया है। सो परसेंटेज एरर इन एक्स इज इक्वल टू, देखिए डेल्टा ए परसेंटेज कितना है 2, डेल्टा बी कितना है 3, डेल्टा सी कितना है 4, डेल्टा डी कितना है 1, कैंसिल आउट 3 and 2, 5 और 2, 7 और 1, 8 एंड द फाइनल आंसर इज 8। सो द परसेंटेज एरर इन एक्स इज 8%। स्टूडेंट एक्स के अंदर जो हमारी परसेंटेज एरर रहने वाली है वो 8% रहने वाली है। तो उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। अब मैं आपको इसकी जर्नल फॉर्म बताता हूँ बच्चों कि एरर की जर्नल फॉर्म यहाँ बनेगी क्या और किस तरीके से जर्नल फॉर्म की कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट जर्नल फॉर्म हम कैसे बनाने वाले हैं ये बहुत जरूरी है हमारे लिए समझना। आप देखिए फॉर एग्जाम्पल हमें कंडीशन दी गई है एक्स टू इज इक्वल टू ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एन सी टू दी पावर जेड। एक जर्नल कंडीशन मेरे सामने है। तो जब भी एरर की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आएगी ना बच्चों आपको सबसे पहले ये देखना है कि जिसके अंदर एरर आपको कैलकुलेट करनी है उसकी पावर 1 होनी चाहिए और यहां पर 1 है स्टूडेंट, एक्स की पावर 1 है तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक्स को हम लिखेंगे डेल्टा एक्स परसेंटेज इज इक्वल टू, देखिए यहां ए है ये बी है ये सी है, भले ही सी डिनोमिनेटर में है यानी अपॉन में है लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं है, इससे बड़े आसानी से हम प्रॉब्लम को बना देंगे। कैसे बनाएंगे प्रॉब्लम को जरा देखिए, ए को हम लिखेंगे डेल्टा ए परसेंटेज, बी को हम लिखेंगे डेल्टा बी परसेंटेज प्लस सी को हम लिखेंगे डेल्टा सी परसेंटेज। ऑलवेज पॉजिटिव साइन का यूज करना है बच्चों आपको। ए की पावर है एम, एम यहां पर आएगा, बी की पावर है एन, एन यहां आएगा और सी की पावर है जेड, जेड इसके सामने आएगा बच्चों। ए टू दी पावर एम, एम सामने, बी टू दी पावर एन, एन बी के सामने और सी टू दी पावर जेड तो जेड इसके सामने। ये हमारे सामने स्टूडेंट एरर की वैल्यू बन जाएगी। इस तरीके से हम एरर की कंडीशन को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो ये हमारा एरर का कॉन्सेप्ट नंबर 1 है स्टूडेंट। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपके सामने आएगी वो एरर कॉन्सेप्ट नंबर 2 को लेकर आएगी और इन वीडियो का यूज करते हुए हम लोगों को अपने छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है स्टूडेंट। ओके थैंक यू।